मित्रों नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको इस हारमोनियम की क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। ये लगभग 60 से 70 साल पुराना हारमोनियम होगा और ये थोड़ा सा डिज़ाइन इसका अलग है। इसमें दोनों तरफ ये पकड़ के उठाने के लिए दिया गया है और ये कांच का लीड है। नीचे आप देखिए इंग्लिश कीज़ में बना हुआ है। और इसकी खासियत जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये टीक वुड तो है ही, लेकिन ये बर्मा टीक नहीं है, ये है थाईलैंड की टीक। बहुत पहले के समय में थाईलैंड की टीक आती थी जो कि सबसे अच्छी टीक मानी जाती थी। इसके ग्रेन्स और इसकी चमक आप देख रहे होंगे। बाहर से भी आपको दिखाएं हम तो शायद आप समझ पाएं। देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती थी। सामने से आप देखें, ये इसके वुडन स्टॉपर्स हैं। तो हारमोनियम तो काफ़ी पुराना है, ये मल्टीफोल्ड बेलोज हैं इसके, शायद नए लगे होंगे। और रीड इसमें हम आपको दिखाते हैं। रीड आप ये देखिए, इसकी ये किश्ती है, स्टॉपर बोर्ड, ये भी बढ़िया है, सब अच्छा है। लेकिन मैं जो खासियत आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये रीड है बांस की। आपको लग रहा होगा कि ये मेल की रीड है, लेकिन ये बांस की रीड है। लेकिन इसमें वेट ऐसा मैनेज किया गया है कि मेल की जैसी दिखती है लेकिन बजती है बास के जैसी है। तो ये बास मेल दो लाइन का हारमोनियम है और ये विक्रय के लिए है। तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ भी दिखाई जाए। देखिए जीवनलाल कांजी मिस्त्री एंड सन्स पालीटाना, जीवनलाल कांजी मिस्त्री की सबसे पुरानी वाली रीड है ये। और इसकी साउंड क्वालिटी एक्सेप्शनली गुड है, इतना बढ़िया ये बजता है। देखिए अभी आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। ये किसी भी कुकड़ बालूकड़ भावनगर से बेहतर बज रहा है। पसंद है और आप ये शानदार आवाज़ वाला हारमोनियम लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।